सिटीजन मॉरिशस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कैन यू इमेजिन। तो आइए जानते हैं इसके पीछे छुपे हुए कई कारण। सीनियर इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर विवेक जौहरी की पोर्ट लुइस में कुमारेसन इलांगो की जगह एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पोस्टिंग की जा रही है, और कुमारेसन इलांगो भी भारत के ही सिटीजन थे। है ना चौंकाने वाली बात। सबसे पहले जानते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। मॉरिशियस पश्चिमी हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 45 किलोमीटर है, जो कि अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है। पश्चिमी हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बावजूद मॉरिशियस भारत का एक दृढ़ सहयोगी बना हुआ है। मॉरिशियस में 68% भारतीय मूल के निवासी रहते हैं। प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ सहित लगभग आधे हिंदू हैं। मॉरिशियस देश एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और विश्व हिंदी सचिवालय दोनों की मेजबानी करता है, और भारतीय सरकार मॉरिशियस की कई परियोजनाओं के लिए फंडिंग भी करती है। पिछले साल ही एक बड़ी डील की अनाउंसमेंट की गई थी। भारत ने मेट्रो परियोजना पर $500 मिलियन का निवेश करने का वादा किया था। साथ ही मॉरिशियस में जब भी कुछ गलत होता है तो नई दिल्ली ही सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है, चाहे वह महामारी हो, ऑयल लीकेज हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारत हमेशा सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। मॉरिशियस ने 1968 में ब्रिटिश कॉलोनियल शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और सैन्य सहयोग की शुरुआत करते हुए 1974 में भारत के साथ एक सुरक्षा समझौता किया, जबकि 1982 में नए चुनावों के बाद राजनीतिक विभाजन सामने आए और अनिरुद्ध जुगनौथ प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में आए। उनकी गठबंधन पार्टी के भीतर आंतरिक कलह हुआ। इसमें विरोधी पॉल बेरेंजर शामिल थे, जिस वजह से जुगनौथ भारतीय सैन्य समर्थन लेने के लिए प्रेरित हुए। 1983 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ एक बैठक के दौरान ऑपरेशन लाल दौरा को मंजूरी दे दी गई, लेकिन तार्किक चुनौतियों ने इसके कार्यान्वयन को रोक दिया। इसके बजाय गुप्त ऑपरेशन शुरू किए गए, जिसमें रो प्रमुख ने मॉरिशियस में भारतीय मूल के समुदाय को जुगनौथ का समर्थन करने के लिए एकजुट किया, जिससे उन्हें सत्ता बरकरार रखने की अनुमति मिली। बाद में भारत ने जनरल जे एन तामिनी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में भेजा। तब से सभी मॉरिशियस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगातार भारतीय मूल के ही रहे हैं। यह भारत और मॉरिशियस के संबंधों की असाधारण प्रकृति को रेखांकित करता है। इसमें मात्र एक ही एक्सेप्शन है, जब मॉरिशियस के फॉर्मर कमिश्नर ऑफ प्रिजन्स दीपक भुकुन 2000 से 2003 तक एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।